सुनो चालीसवा अध्याय पूर्वार्ध दसवा स्कंध, जिसमें श्री सुखदेव सुनाए उद्धव ब्रज यात्रा प्रसंग। श्री सुखदेव जी बोले राजन, प्रश्नी वंशी थे उद्धव जी, बुद्धिमान प्रधान पुरुष, जिनके गुरु थे बृहस्पति जी। उनकी महिमा के बारे में बढ़ के बात कही जा सकती, वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा और थे मंत्री। एक दिन उद्धव से बोले प्रभु, लेकर हाथ में हाथ, उद्धव जी तुम ब्रज जाओ, जहाँ हमारी माता और तात, और वहाँ व्याकुल गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से, मेरा संदेश उन्हें सुना कर करो मुक्त वेदना से। उनका प्राण उनका जीवन मैं उनका हूँ सर्वस्व ही, उन्होंने छोड़े मेरे लिए पति पुत्र आदि सभी। उन्होंने बुद्धि से माना मुझे अपना आत्मा और प्रियतम, मेरे लिए सब कुछ छोड़े मैं उनका करु भरण पोषण। मेरे मथुरा आने से वे इस मन कर होती है मूर्छित, मेरी विरह व्यथा से वो पल पल होती है उत्कंठित। उनको मैंने दी साथ ना मैं आऊंगा ऐसा कहकर, मैं उनका जीवन आधार वे मुझ में तन में नित्य पले। श्री सुखदेव जी बोले राजन, श्री कृष्ण की बातें सुने कर चल पड़े ब्रज उद्धव जी, स्वामी का संदेश लेकर। शाम को उद्धव ब्रज पहुँचे, गोए लौट रही जंगल से, ब्रज की अपूर्व शोभा थी बांसुरी की मधुर तेर से। राम और श्याम का लीला गाने जगमग ज्योति जले घरों में, पक्षी चहके भोरे गूंजे वृक्ष लते घूमे फूलों से। नंद बाबा ने गले लगाया उद्धव को, जो कृष्ण पधारे या तो चित सत्कार करके, नंद बाबा ने वचन उचारे। सखा वसुदेव पुत्र हमारे मथुरा में कुशल तो है, श्री कृष्ण कभी याद करते कि ब्रज में माता पिता है। सच सच बताना उद्धव जी, वे ब्रज में आएंगे तो सही, आकर वो पूरा करेंगे की थी जो बातें उन्होंने। सदैव हमारी रक्षा उनका हृदय बड़ा उदार, खेले खेल में जाने कितने दुष्टों का किया संघार।
रह रह कर याद आते हैं उन मुक्त हाश्य मधुर भाषण, बाल सुलभ उनकी हट खेली, विलास पूर्ण तिरछी चितवन। नदी में जल में क्रीड़ा करते, गिरिराज हाथ से उठाते, सुना पड़ा है मधुबन जहाँ काना गैया चराते। उद्धव जी मैं भी मानता है कारण नहीं आए भगवान, उनको सिद्ध करना है अभी देवों का बड़ा प्रायोजन। श्री शुकदेव जी बोले राजन, भगवन लीला कर इस मरन, नंद बाबा का गला रुद गया, प्रेम वेदना में व्याकुल मन। यशोदा भी वहीं बैठी बैठी नंद बाबा की बातें सुनती, आंखों से वह अश्रु धारा नन्हे कृष्ण का ध्यान करती। नंद यशोदा के मन में देख कृष्ण के प्रति अनुराग, उद्धव जी को हृदय मचला राजन परम आनंद आगाध। उद्धव जी बोले आप दोनों सचमुच कितने भाग्यवान, जगत स्वामी के प्रति आपके हृदय पुत्र भाव विद्यमान। राम और श्याम पुराण पुरुष है सभी को देते जीवन दान, भगवान श्री कृष्ण पुरुष है तो बलराम प्रकृति प्रधान। वे ही सबके आत्मा और जग के है परम कारण, भक्त अभिलाष पूर्ण करने मानव काया की है धारण। जब उन्होंने कंस को मारा और आपसे बोले भगवान कि मैं ब्रज में आऊंगा सत्य करेंगे अपना वचन, जैसे लकड़ी में रहती है अग्नि सदा व्यापक रूप में, वैसे ही प्रभु रहे विद्यमान समस्त प्राणियों के हृदय में। उनकी दृष्टि में ना कोई उत्तम और ना कोई है अधम, विषमता भाव रखने वाला उनके लिए नहीं विषम। माता पिता पत्नी न पुत्र ना दे और न ही जन्म, साधुओं के प्राणी प्राण हेतु शरीर करते धारण। खेल खेल में भगवान करते सतरज तम गुण स्वीकार, उनके द्वारा ही करे प्रभु रचना पालन और संहार। जब मानव चक्कर लगाते पृथ्वी घूम पड़ती जाने, सब कुछ करने वाला चित है जीव शम को करता जान।
भगवान श्री कृष्ण न केवल आप दोनों के पुत्र ही, वे समस्त प्राणियों की आत्मा माता पिता स्वामी। ऐसा कुछ नहीं जगत में जो श्री कृष्ण से पृथक है, वास्तव में वे सब ही है, वे ही परमारथ सत्य है। उद्धव नंद बाबा ने राजन बातें करते बिताई रात, गोपियां उठी झाड़ने बुहारने, बस थोड़ी सी बाकी रात। दही मत रही थी गोपियां, करती कृष्ण का लीला गान, नंद के द्वारे सोने का रथ हुआ प्रात होते ही भान। एक बोली कहीं फिर से सखी, अक्रूर तो नहीं आ गया जो हमारे श्याम सुंदर को बहका कर मथुरा ले गया। दूसरी बोली हमें ले जाकर पिंड दान कर मरे कंस का, अब यहाँ उनके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता। राजन ब्रजवासिनी आपस में करती बातें घुल मिल करे, उसी समय उद्धव जी आए नित्य कर्म से निवृत हो कर। अब सुनो 47वां अध्याय पूर्वार्ध 10वां स्कंद, जिसमें उद्धव गोपी वार्ता और भ्रमर गीत का प्रसंग। श्री शुकदेव जी बोले राजन, उद्धव जी कृष्ण से दिखते आकर्ती वेशभूषा मिलती, कमल दल से लोचन लगते, पीताम्बर गले में माला, कान में कुंडल मानी जड़ित, घुटनों तक लंबी भुजाएं, मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित। बोली गोपियां आपस में, तब पुरुष लगता है मन भावन, कौन कहां से आया है ये काना से वस्त्र किए क्यों धारण। परिचय पाने को आतुर थी गोपियां आत्मविभोर हो, घेर कर खड़ी हो गई उद्धव जी को चारों। जब उन्हें मालूम हुआ कि आए काना का संदेश कहने, उद्धव जी का किया सत्कार, आसन पर बैठा लगी कहने, उद्धव जी हम जानती हैं काना का लाए संदेश, माता पिता के सुख हेतु तुम्हें भेजा है ब्रज प्रदेश। मात्र स्वार्थ हेतु होता है उद्धव जी ये प्रेम संबंध, बोरा फूल से पुरुष स्त्री से स्वार्थ वश करता है संबंध।
यदि ग्राहक की जेब खाली वे शहदाता बता देती। यदि राजा ना करा है तो प्रजा साथ है छोड़ देती। शिक्षा समाप्ति पर चले गुरु की सेवा नहीं करते। यज्ञ दक्षिणा मिलते ही ब्राह्मण लोग चलते बनते। यदि वृक्ष पर फल न रहते सब पक्षी उड़ने लगते। भोजन पश्चात अतिथि उद्धव जी घर और न देखे। राजन गोपिया कृष्ण प्रेम में इतनी तल्लीन हो गई, कौन सी बात कहे किस से, बेचारी सब कुछ भूल गई। कृष्ण लीलाएं याद करती उनका गान करने लगी। स्त्री सुलभ लगा भूल फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी को याद आया श्री कृष्ण का मिलन प्रसंग। तभी पास ही उसने देखा एक भोरा करता गुंजन। वह समझी श्री कृष्ण ने उसको रूठी हुई समझ कर भोरा दूत बना कर भेजा। तब बोली भोरे से तुनक कर, तू कपटी का सखा भौरे इसीलिए तो तू भी कपटी। पैरों को छू कर मत कर अनुनय विनय तू हमसे कपटी। कृष्ण की वनमाला जो मसली सोतों के इस परश से, उनका पीला पीला कुमकुम लगा हुआ तेरी मूछों पे। जैसे तेरे स्वामी करते ठीक वैसे ही तू भी करता। फूलों से प्रेम ना करता इधर उधर तू उड़ा करता। सोतों का कुमकुम प्रसाद वे रखे अपने पास ही, उस तेरे द्वारा यहाँ क्या जरूरत है भेजने की। जैसा की है तू भी काला वैसे ही वो शाम काले। तू पुष्प रस ले उड़ जाता वैसे ही वो काना निकले। हाँ उन्होंने एक बार हमें अधर सुधा पिलाई थी, चले गए फिर हमें छोड़ कर कष्टदायक विदाई थी। अरे भवरे हम वनवासिनी हमारा कोई घर द्वार नहीं, जो करता उनका गुणगान हमारे लिए वो नए नहीं। चापलूसी नहीं चलेगी तू यहाँ से चला जा। सोतों के सामने कर गुणगान उनके पास जा। इस समय वे कान्हा प्यारी तेरी प्रार्थना स्वीकारेंगी। तेरी चापलूसी से खुश हो मुँह मांगी बस तू दे देंगी। वो हमारे लिए तड़पते तू ऐसा है क्यों कहता। जो उनके वश ना हो जाए ऐसी कौन सी स्त्री बता।
औरों की तो बात ही क्या, खुद लक्ष्मी जी सेवा करती। फिर तू ही बता बौरे हम, श्री कृष्ण के लिए है किस गिनती। परंतु जाकर उनसे कहना, उत्तम श्लोक है उनका नाम, दीनों पर दया कर नहीं तो झूठा पड़ जाए उनका नाम। अरे मधुकर तू सिर मत टेक, अनुनय विनय में निपुण बड़ा, काना से तू सीख के आया, कैसी होती चटुकारिता। परंतु तू इतना समझ ले, नहीं गलेगी तेरी दाल। काना के लिए सब कुछ छोड़ा उसने किया हमें बेहाल, ऐसे निकले वो निर्मोही हमें छोड़कर चलते बने। अब तो ही बता दे भौरे, ऐसे में क्या संधि करे। रे मधुप जब वे बने राम, बाली को है चल से मारा, शुर्प नखा की नाक काटी, बिगाड़ दिया सौंदर्य सारा। और तो और वामन रूप में ब्राह्मण के घर जन्म लेकर, त्रिलोकी ले पाताल में डाला बलि को, वरुण पाश बांध करे। ये तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे कौवा बलि खा कर, बलि देने वाले को घेरता अपने साथियों के संग मिले कर। अच्छा भवरे अब जाने दे, अब ना कर तू यहाँ गुंजन, श्री कृष्ण तो क्या किसी भी काली वस्तु से ना प्रायोजन। भवरे अब तू ये कह सकता, फिर क्यों करती उनकी चर्चा। सुन ले भवरे लग जाए चस्का, फिर उन्हें छोड़ नहीं सकता। जो श्री कृष्ण लीला रूप का कर लेता एक बार रस स्वादन, सारे द्वंद्वों से छूट जाता, ग्रस्ती छोड़ होते आकिंचन। भीख मांग कर पेट भरते, वे दिन दुनिया से है जाते। कथा का ऐसा चस्का है कि फिर भी उसको छोड़ ना पाते। हिरनिया कृष्ण सार मृग की, करती व्याध गान विश्वास, उसके जाल में फंसती जाती, बन जाता वो गले की फांस। वैसे ही हम गोपियां उनकी मीठी बातों में आकर, काम व्याधि का अनुभव करें, श्री कृष्ण को सत्य मान करें। इसीलिए ओ दूत भवरे उनके बारे में ना बोल, यदि कुछ कहना ही चाहे तो कोई दूसरी बात बोले।
हमको ऐसा लगता भ्रमर जी हम मनाने भेजा तुमको, तुम ही बताओ भ्रमर जी अब क्या करना है हमको। सच सच बताओ भ्रमर जी हमें चाहते वहां ले जाना, वैसे तो हम जा चुके हैं बड़ा कठिन है लौट के आना। उनके वक्ष इस थल पर रहती प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा, तब कैसे हो हमारा गुजारा प्यारे भवरे तू ही बता। अब ये बताओ प्यारे भवरे श्री कृष्ण जी कुशल तो है, गुरुकुल से आने के बाद हमें याद करते तो वो है। यह भी बताओ प्यारे भवरे जी कभी लौट के आएंगे वे, हमारे सिर पर कभी अपनी भुजा भी रखेंगे क्या वे। श्री शुकदेव जी बोले राजन देख के तड़प गोपियों की, सात्व न देते हुए उनको इस तरह बोले उद्धव जी। हरी गोपियों तुम कृत कृत्य सफल हुआ तुम्हारा जीवन, दान तप व्रत से जो न मिलता तुम्हें मिला वो करके समर्पण। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्राप्त की तुमने जो भक्ति, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ है ये ऐसी भक्ति। तुमने घर द्वार पति पुत्र और छोड़े अपने स्वजन, पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को पति रूप में किया वरण। हर वस तुम्हें प्रभु के दर्शन तुमने प्राप्त किया वो भाव, स्वामी का दूत हूँ मैं अब देता तुमको एक सुझाव। सुनो ध्यान से हे गोपियों प्रभु का संदेश लाया हूँ, जिसे सुनाने के लिए मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। कहा है भगवान श्री कृष्ण ने मैं आत्मा हूँ सबका, इसीलिए कभी मेरा तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पांच भूत से बना संसार, उन्हीं से बनी सारी वस्तुएं यही है उन सब का सार। वैसे ही मैं मन प्राण इंद्रिय विषयों का आशय हूँ, वे मुझ में है मैं उनमें हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ। मैं ही अपनी माया द्वारा सबका आशय बन जाता हूँ, स्वयं निमित्त बने स्वयं को रचता पालता समेटता हूँ। माया की है तीन वृत्तियां सुषुप्ति स्वप्न और जागृत,
उन्हीं से आत्मा प्रतीत होता, प्राग विश्व रूप और तेजस। जागृत अवस्था जो भोगो उन्हें समझो जैसे कोई स्वप्न, रोको इंद्रियों को और विषय चिंतन करने वाला मन। नदी घूम फिर पहुँचे सागर, योग तप सत सभी साधन, वे सब मन को निरुद्ध कर मेरे पास पहुँचते हर दम। मैं तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, नैनों का ध्रुव तारा, फिर भी तुमसे दूर रहता इसका कारण बड़ा प्यारा। सुनो गोपियों ताकि तुम ध्यान करो मेरा निरंतर, मेरे समीप का अनुभव करो, मुझसे भी तुम दूर रह कर। क्योंकि स्त्रियों का मन परदेसी में लगा रहता, यदि प्रियतम सामने हो तो इतना नहीं लगता। जब तुम मुझ में मन लगा कर केवल मेरा ध्यान करोगी, तब तुम शीघ्र सदा के लिए मेरी भक्ति प्राप्त करोगी। सुनो गोपियों महाराज में जो गोपियां नहीं आई थी, वे भी लीला स्मरण कर मुझको ही प्राप्त हुई थी। इसीलिए निराश न होना, मैं एक दिन तुमको मिलूंगा, जीवन के सरोवर में मन कमल बन करके खिलूंगा। श्री शुकदेव जी बोले राजन, प्रियतम का संदेश सुन कर गोपियां उद्धव जी से बोली, प्रेम को हृदय में भर कर। गोपियां बोली सुन उद्धव जी, कंस मरा आनंद की बात, पर जब मनोरथ पूरे हो गए काना मथुरा करे निवास। हम काना को प्रेम करते पर तुम हमको बताओ तो सही, मथुरा की स्त्रियां उनको प्यार करती है या नहीं। दूसरी गोपी बोल पड़ी तभी, हमारे काना बड़े खिलाड़ी, मथुरा वालियों पर रिझेंगे जब करें बातें प्यारी प्यारी। तभी एक और गोपी बोली उद्धव जी वे क्या करते हैं, स्त्रियों में प्रसंग वश कभी हमें याद करते हैं। एक और गोपी बोली तभी क्या कभी श्री कृष्ण हमारे, स्मरण करते उन रातों का रास किया जब संग हमारे। तभी दूसरी बोली उद्धव जी विरहा आग में जले बदन, इंद्र जैसा जल बरसाने कभी दर्शन तो देंगे भगवान। एक बोली अब बन गए राजा,
राजकुमारी से विवाह करेंगे। हम ग्वालन के पास क्यों आए, उनके संग आनंद करेंगे। दूसरी बोली, नहीं नहीं सखी, उनका जीवन धन्य रहा। लक्ष्मीपति का बिना हमारे कौन सा काम अटक रहा। देखो वैश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ठीक कहा। किसी की आशा न रखना ही है सुख सबसे बड़ा। ये सब जानते हुए भी आशा है आए भगवान, उनके आगमन की आशा ही है हमारा जीवन तमाम। उनकी मीठी बातें भुलाने का उत्साह कैसे कर सकती, उनकी अनिच्छा होने पर भी लक्ष्मी चरणों से है लिपटी। उद्धव जी ये वही नदी जिसमें विहार करते थे, ये वे ही वन है रात में जिसमें रास लीला करते थे। ये वे ही पर्वत जिनके शिखर चढ़कर बांसुरी बजाते, और ये वे ही गाय जिन्हें प्रतिदिन चराने जाते। बंशी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती, जैसे काना आधर से मधुबन में बंशी बजाते। सुंदर चरण कमल चिन्ह है हर प्रदेश का एक एक कण, जब देखे हम उन चिन्हों को सामने दिखते भगवन। हंस सी चाल मधुर वाणी, उन्मुक्त हास्य तिरछी चितवन। चित हमारा नहीं वश में, चुराया उन्होंने हमारा मन। काना तुम जीवन के स्वामी, तुम ही हो ब्रजनाथ हमारे। यथा मिठाई सदा हमारी, काटे सभी संकट हमारे। तुम गौ से प्रेम करते, हम भी गौएं हैं तुम्हारी। सभी दुखों के सागर डूबे, आकर रक्षा करो हमारी। श्री शुकदेव जी बोले राजन, श्री कृष्ण का संदेश सुनकर विरहा व्याथा शांत हो गई। उद्धव जी का किया आदर, गोपियों की व्यथा मिटाने उद्धव जी महीनों रहे। श्री कृष्ण की लीला को सुन सभी को आनंदित कर रहे। कभी नदी पर कभी वनों में, कभी गिरिराज घाटी विचरते। श्री कृष्ण लीला में उद्धव जी ब्रजवासियों को तन में करते। गोपियों की प्रेम विकलता और प्रेम चेष्टा देख कर उद्धव जी कहने लगे, तब उन गोपियों को नमन करे।
कन्या गोपियों जन्म तुम्हारा, श्री कृष्ण प्रेम में पलती, ऋषि मुनियों को भी ऐसी प्रेम स्थिति कभी ना मिलती। जिन्हें लगा श्री कृष्ण की लीला कथा रस का चसका, उन्हें कुलीनता या यज्ञ में दीक्षित होने की ना आवश्यकता, या कथा रस में रुचि नहीं, या रस का मिलाना भाग, माँ कल्पोतक बार बार ब्रह्मा होने से क्या लाभ। कहाँ गाँव की गवारे पालन, कहाँ श्री कृष्ण में प्रेम, रूप रहे से बेशक न जानो, बस प्रभु से कर लो प्रेम। भगवान शम की शक्ति से करते प्रेमी का कल्याण, जैसे कोई अमर हो जाता न जाने कर अमृत पाने। गोपियों के गले बाहें डाल, प्रभु ने दिया कृपा प्रसाद, लक्ष्मी जी को भी ना मिला और स्त्रियों की क्या बात। अहो भाग्य जो मैं बन जाऊं, ब्रज की झाड़ी लता या घास, इन गोपियों की चरण रज का, करूं सेवन दिन और रात। धन्य गोपियों प्रभु जी ध्याए, किया लोक मर्यादा त्याग, जिसे उपनिषद श्रुतियां ढूंढे उसी प्रेम को किया प्राप्त। शंकर ब्रह्मा आदि देवता, करते रहते जिनका चिंतन, उन्हें रास लीला में गोपियों ने सीने पर रख किया आलिंगन। गोपियों की चरण धूलि धारूं, करूं मैं बार बार प्रणाम, उनका प्रभु लीला का गान पावन करता तीनों धाम। श्री शुकदेव जी बोले परीक्षित, कुछ महीने ब्रज में रहकर उद्धव जी चले मथुरा को, ब्रजवासियों से विदा लेकर। रथ निकला जब ब्रज के बाहर, नंद बाबा आए भेंट लेकर, बड़े प्रेम से पास आए, बोले आंखों में आंसू भर कर, उद्धव जी हम यही चाहते, व्रती चरण आशित रहे, उन्हीं की सेवा है तो उठे और उन्हीं में लगी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर, नाम उच्चारण करती रहे, काया उन्हें प्रणाम करे और आज्ञा पालन करती रहे। नहीं मोक्ष की हमको इच्छा, चाहे जिस योनि में जन्म मिले, शुभ आचरण दान करे, लो श्री कृष्ण में लगी रहे। राजन गोपियों ने उद्धव का कृष्ण भक्ति से किया सम्मान, मथुरा लौट के उद्धव जी ने श्री कृष्ण को किया प्रणाम।
ब्रजवासियों का भक्ति उद्रेक उद्धव जी ने मुख से उचारा, वसुदेव बलराम उग्रसेन ने नंद बाबा की भेंटों को स्वीकारा।